फ्रेंड्स, मैं हूँ सरस्वती और सरस्वती के सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्रेंड्स कुछ खास काम नहीं करने वाली हूँ, लेकिन हाँ जो भी है वो यही है, मैं आज सिलाई करने वाली हूँ। तो मैंने कहा चलो अच्छा आज वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं आज सिलूंगी ब्लाउज, तो पहले सारे कपड़े वगैरह जो है निकाल लेती हूँ, क्योंकि बार बार सिलाई जब करना स्टार्ट कर दो तो इधर उधर करने में मज़ा भी नहीं आता है। तो सबसे पहले हमने नाप और मशीन वगैरह जो है ना बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं। पहले हम करेंगे कटिंग इसकी। तो कटिंग करने के लिए चलो दूसरे वाले हेलो टेबल पे फ्रेंड्स, कैसे चलेंगे। हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लाउज सिलना, जो उसी से मतलब इस तरह से चलता है। तो ये भी लिबाबे का है। और पहले तो मैं अच्छे से ब्लाउज को नाप लेती हूँ भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है ना कि अगर गड़बड़ हो गया तो बहुत ज़्यादा उनको भी नहीं अच्छा लगेगा, मुझे खुद भी अच्छा फील नहीं होगा। तो इसलिए मैं बहुत ही ध्यान से करती हूँ, पहले अच्छे से पुरानी वाली ब्लाउज को नापती हूँ, उसको समझती हूँ, फिर उसके बाद कपड़ों को हाथ लगाती हूँ। और मेन कपड़ा तो पहले कट करती नहीं हूँ, पहले अस्तर को कट करके अच्छे से नाप लेती हूँ, समझ लेती हूँ, फिर उसके बाद में मेन कपड़े पे। तो सबसे पहले हम पुरानी वाले ब्लाउज को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और इसे क्या करना है, नापना है। नाप लेंगे कि जैसे हमारा मतलब हमारा पुराना वाला ब्लाउज है, जो अच्छी ब्लाउज है आपकी फिटिंग की, वो ले लीजिए और इसे अच्छे से नाप लीजिए। फ्रेंड्स, नापना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक एक पॉइंट बहुत ही मायने रखता है। तो हड़बड़ी में मत करें और जैसे कि आराम से इसे नापें करें। जैसा कि देखिए मैं आराम से हाथ चला रही हूँ, और कभी भी ये मत सोचिए कि हम प्रोफेशनल हैं, हम बहुत अच्छे से कर लेंगे, हम दो तीन ब्लाउज सिल लिए तो बहुत अच्छा सिल लेंगे, ये सोच के आप करोगे ना तो काम हो जाता है ख़राब। तो आप जिस तरह से मैं यहाँ पे नाप रही हूँ, तो जैसे कि अपने ब्लाउज के हिसाब से मैं यहाँ पे नाप रही हूँ। जैसे हमने कंधे का निशान लगा लिया है 14 इंच का, तो इसमें हमने जो है निशान कई तरह से आप नाप सकते हो। और यहाँ बाजू का जो निशान है, यहाँ पे हमने 5 इंच पे कट करना है बाजू का, आर्म होल साइड जो होता है। और यहाँ पे नीचे जो कमर है, इस तरह से सारे ब्लाउजों को जो हम अच्छे से नाप लेंगे, बाजू से नाप लेंगे, जब हम नाप के करेंगे ना तो हमारा ब्लाउज कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से पहले आप नाप लीजिए, आप अपने हिसाब से नापिए। इसका नाप मैं क्या बताऊँ कि किस नाप से मैं इसे बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने जो है अच्छे से ब्लाउज को नापा है। अब बाकी आ रहे हैं यहाँ पे देखिए कटिंग करने के। तो पहले दोनों किनारे से जो है इसे बराबर करके कट करके निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ भी गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा सा भी कपड़ा इधर उधर रहता है ना तो हमारी जो कटिंग है वो मतलब ब्लाउज ख़राब होने का पूरा चांस रहता है। तो इसलिए दोनों साइडों से आप पहले बराबर कर लीजिए कपड़ा। तो यहाँ पर निशान लगा रही हूँ ना मैं 17 इंच पर लगा रही हूँ, क्योंकि ब्लाउज जो है 15 इंच पर तैयार होगा, बाकी डॉट और प्लेटें नीचे ऊपर जो जाएंगे ये सारी चीज़ों को है हमने जो है 2 इंच कर लिए मार्जिन के लिए लिया है। और जब हम अस्तर जोड़ते हैं ना तो उसमें भी थोड़ा बहुत 2-4 पॉइंट चले जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे लंबे से लंबा ब्लाउज बनाती हूँ, तो हम यहाँ पे 17 इंच का लंबाई ले लिए हैं। अब यहाँ पे गले का निशान लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सिर्फ 2 इंच पे हमने गले पे निशान लगा दिया है, और बाकी यहाँ पे 3 इंच पे लगाएंगे, जिसमें आधा इंच मार्जिन के लिए जाएगा और बाकी जो बचेगा वो कंधे पे जाएगा। तो इस तरह से टोटल हमने यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा दिया है। और जो गहराई है आर्म होल की, तो यहाँ पे आर्म होल जो हम लेंगे तो ये भी हमने लिया है 5.5 इंच का, ठीक है। 5.5 इंच पे हम बनाएंगे तो इसका बहुत ही अच्छा मतलब ये बताऊँ सबके अपने ब्लाउज का नाप होता है। मैं यहाँ पे नापने का तरीका बता रही हूँ फ्रेंड्स, कि अगर आप पहली बार भी ब्लाउज सिलना चाहते हो ना तो पहली बार में ही आप अच्छे से ब्लाउज सिल लोगे। क्योंकि मैं बताऊँ, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं घर का ही कपड़ा सिलती हूँ, बट अगर आराम से सिलती हूँ ना तो ये काम बहुत ही ईजी हो जाता है, आराम से मैं ये काम कर लेती हूँ। और ये नहीं कि मतलब मैं रोज़ सिलती हूँ, घर का है कितना ब्लाउज हो जाएगा, क्योंकि आजकल सब लोग सूट ही डालते हैं, बस वही हैवी साड़ियाँ जो रहती है कहीं आने जाने वाली, उसी का ब्लाउज होता है। और जब आप कपड़े को कट करिए ना तो बिल्कुल बराबर सेम टू सेम कट करिए, बड़ा छोटा अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपका ब्लाउज खराब होने का पूरा चांस रहेगा। तो देखिए हमने जो है फ्रंट पार्ट का कटिंग कर ली है, अब इसी को हम बैक पार्ट में रखेंगे। बैक पार्ट में बस थोड़ा सा 2 चेंजेस होंगे, जैसे कि इसकी लंबाई जो है हमने छोटा करना है बैक पार्ट वाले का,
और साथ में यहाँ पे आर्म होल का जो है गहराई, इसे आधा इंच से एक इंच हम बाहर रखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक इंच तक निशान लगा लिया है, इसे बाहर रखना है, मतलब जो गहराई हमने कट किया ब्लाउज में वो फ्रंट में है। ठीक है, तो बैक पार्ट वाला जो होता है आधा इंच बाहर की तरफ रहता है, तो इस तरह से कर लीजिए। यहाँ पे हमने 10 इंच का जो है पीछे वाले गले का गहराई किया है, तो वापस से हमने इसको भी कट कर दिया है। और जो पीछे जो प्लेटें या फिर डॉट लगते हैं उसका भी निशान साथ में लगा देते हैं, तो हमने अंदर की तरफ से 4 इंच पे लगा दिया है निशान। तो 4 इंच पे लगाया ना, तो बहुत ही अच्छी इसे फिटिंग आती है। बारी आती है कपड़े जो बचे हुए हैं, इसका हम बाजू बना लेते हैं। तो बाजू तो पहले इस तरह से आप बाजू को अच्छे नाप लीजिए और फिर इस तरह से गोलाई दे के जो है बाजू को भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले अस्तर की कटिंग कर लीजिएगा, तब मेन कपड़े को हाथ लगाइएगा, क्योंकि जब हम अस्तर की कटिंग अच्छे से करेंगे ना, तो जो हमारा ब्लाउज बनेगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा, ख़राब नहीं होने का चांस रहेगा। क्योंकि अगर फ्रेंड्स अस्तर ख़राब हो गया तो नहीं टेंशन रहता है, बट अगर मेन कपड़ा ख़राब हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाती है, कई बार तो रोना भी आ जाता है जब ब्लाउज ख़राब होती है। अब आप देख सकते हो कि मैंने इसके ऊपर जो है दोनों पार्ट को रख दिया है मेन कपड़े के ऊपर। अब बहुत ही आराम से हमें इसे कट करना है, बिल्कुल भी इधर उधर बिल्कुल सरकना नहीं चाहिए, आराम से ही कट करिए। जब आराम से हाथ चलाओगे ना तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी आपकी ब्लाउज। तो आराम से इस तरह से कट कर दिया, हमने बाजू भी कट कर लिया है। अब यहाँ पे बटन पट्टी जो लगती है वो लगा देते हैं, जो हुक पट्टी रहती है, और भी में हम कट कर लिए हैं। ये हम गले का पाइपिंग वगैरह जो बनाएंगे वो कर देंगे। तो अब चारों तरफ से हमने सिल के, और देखिए यहाँ पे डॉट भी डाल दिया है। अब हम यहाँ पे आगे से भी डॉट को इस तरह से उठाएंगे थोड़ा थोड़ा कपड़ा करके, और डॉट डाल देंगे। तो इस तरह से हमने डॉट को भी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे हम काज पट्टी वाला जो जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस पर हमने काज पट्टी को भी जोड़ दिया इस तरह से दोनों तरफ से सिलाई करके। अच्छा, जो बटन वाला साइड रहता है ना वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, 1 इंच हमने करना होता है, और काज पट्टी है तो तुरंत उसी जगह पे हमें मोड़ फोल्ड कर देना होता है। तो इस तरह से बन जाते हैं। आर्म होल की गहराई काटना बहुत ज़रूरी है, तो इस तरह से आगे वाले पार्ट पर जो है थोड़ी सी गहराई आधे इंच का ज़रूर दें, नहीं वरना ब्लाउज अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, अब सीधा करके हम इस तरह से सिलेंगे दोनों पार्ट को, मतलब आगे वाला और पीछे वाले पार्ट को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे बिल्कुल सीधा करके। आप सोच रहे हो सीधा क्यों जोड़ रहे हैं, तो भाई अभी देखिएगा कि कितना अच्छा फिनिशिंग आएगा। तो देखिए हमने इसे इस तरह से जोड़ के और इसी तरह पलट देना है। जब हम पलट देंगे ना तो ये बिल्कुल उल्टे साइड आ जाएगा, और ये देखने में काफ़ी अच्छा फिनिशिंग आता है, बिल्कुल प्रोफेशनल लगता है। छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं तो ये होता है। जहाँ सारा डॉट वगैरह लगाने के बाद वापस से हमने नापा है, तो बैक पार्ट जो है इसमें थोड़ा सा कपड़ा जो है बच जाते हैं, तो इसे हमने कट करके निकाल दिया है। अब वापस से हमने एक निशान लगाना, क्योंकि जब हम डॉट वगैरह लगा देते हैं ना तो कपड़े जो है सिकुड़ जाते हैं, तो आगे वाला जो पार्ट होता है वो छोटा हो जाता है। तो हम पीछे वाले से इस तरह मैच करते हुए अच्छे से निशान लगाएंगे और इसे जोड़ देंगे। तो इस तरह से सीधा निशान लगाइए, ध्यान से धीरे धीरे करके करिए, हो जाएगा काम। ठीक है, अब बारी आती है हमें बाजू जोड़ने की। तो बाजू जोड़ने में क्या है, देखो निशान लगा लो पहले कि कौन सा आगे का है कौन सा पीछे का है। तो दोनों पार्ट को इस तरह से आप जोड़ लीजिए और इस तरह से नाप लगाते हुए जाइए, और यहाँ से शुरू कर दीजिए आप। ठीक है, तो ये देखिए बस इस तरह से आप आराम से सिलाई कर लीजिए। ठीक है, बस अब बाजू ही जोड़ना था, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ अच्छे से सिलाई, क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे करके करती हूँ ना, तो ये सही रहता है। ठीक है, जब आप बाजू लगाइए तो जब मशीन चलाइए तो बिल्कुल ध्यान से और धीरे धीरे चलाइए, क्योंकि इसे हमें गोल में करना रहता है ना, तो कई बार इसमें सिलौटे पड़ जाते हैं। तो जब हम सीधा करते हैं ना तो वो ब्लाउज जो है इसे थोड़ा सा सिलौटे पड़े दिखते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब ब्लाउज को जोड़ने, बाजू को जोड़ने के बाद बस हम दोनों किनारे से सीधी साइड से सिलाई लगाएंगे। अभी जैसे कि फ्रंट पार्ट से साइड से हम यहाँ पर लगाएंगे, अब हम बैक पे उल्टा करके और इस तरह अच्छे से जब निशान लगा लेते हैं ना, तो निशान के ऊपर ही हमें जो है सिलाई करना है। जब आप ध्यान से करोगे, धीरे धीरे करो फ्रेंड्स, 100% हो जाएगा। अरे मैं बताऊँ, मैं तो बहुत ही बुद्धू थी, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग पक्का कर सकते हो। मुझे बिल्कुल भी नहीं पहले आता से सिलाई उलाई, तो धीरे धीरे करके मैं अब तो बहुत अच्छा ब्लाउज सिल लेती हूँ, तो आप भी सीख जाओगे। ठीक है, बट ये थोड़ा पेशेंस रखिए, आराम से करिए, हो जाएगा। तो मैंने बाजू भी जोड़ दिया है। अब देखिए ये गले की जो पट्टी बनाते हैं ना,
हमें तिरछी में बनानी होती है, जिसे ओरेवी पट्टी रहती है ना, वो कट करके हम लगाते हैं तो हमारा गला जो है बहुत बढ़िया बैठता है। बहुत सारे ब्लाउज में ऐसे पीछे साइड में जो बैक पार्ट रहता है ना, तो उसमें ऐसे उठा सा रहता है, और जब आप इस तरह से पट्टी तिरछे में कट करके इसे पाइपिंग या फिर ऐसे तुरपाई करोगे तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। पट्टी जोड़ने के बाद बस इस तरह से आप कट कर लीजिए, मतलब नोज लगा दीजिए, ताकि जो है पाइपिंग जो है अच्छे से बैठे। तो अच्छे से पहले फोल्ड करिए। अच्छा, पाइपिंग बनाने में ना थोड़ा सा ये करना पड़ता है, एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आप पे पाइपिंग बनाना चाहते हो या फिर अच्छे से अच्छा ब्लाउज सिलना चाहते हो, तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी काम, अगर कोई भी काम हम करते हैं ना, तो उसमें ज़रूरी है कि आप उसको बहुत ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो देखिए कितना प्यारा सा जो है पाइपिंग बिल्कुल अच्छा बना है, एक साइज के बन के बिल्कुल तैयार हुआ। तो इससे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि हमने कहाँ से सिलाई करी है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ब्लाउज हमारा पिन के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स बस ये रहा आज की वीडियो, तो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करने के रेडी हो गई। और आधे घंटे का काम था ये सिलना ब्लाउज को, क्योंकि मैंने जिसे कहा कि नाप के ऊपर सिलते हैं, तो इस तरह से चीजें हो जाते हैं। कोई मैं और एक बात और क्लियर कर देती हूँ, मैं प्रोफेशनल सिलाई नहीं करती हूँ, मतलब कंटिन्यू जिसे होता है प्रोफेशनल होते हैं या फिर डेली सिलना होता है, ऐसा नहीं है कि घर का ही कपड़ा सिलती हूँ, लेकिन हाँ अच्छा सिला जाता है, इसलिए शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। कई चीजें हैं जो मिस भी हो जाता होगा, लेकिन अगर आप सिलते हो तो 100% आप सिल लोगे और वो समझ भी जाओगे। लेकिन कोई भी काम बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। अगर आपको प्रोफेशनल भी बनना है और आपकी कहीं भी सीख रहे हो आप, तो बिना प्रैक्टिस का तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़े। जो हमारी बहन भाई बेटियां हैं, बहुएं हैं, सीख रही हैं सिलाई, तो उनको बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो पूरी मतलब पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करें, घर पे आके भी प्रैक्टिस करें, पक्का बहुत ही जल्दी उनका बिल्कुल अच्छा का हाथ साफ हो जाएगा, ये ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो अच्छी लगेगी ये ब्लाउज की, तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके जरूर बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिए करो। ठीक है, और इतने देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।